यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय अठारह। यशायाह अध्याय अठारह। हाय हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों के परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर चल के मार्ग से यह कह के भेजता है कि हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर है और वे आदि से अब तक डरावने हैं, वे मापने और रौंदने वाले भी हैं, और उनका देश नदियों से विभाग दिया गया है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए तब देखो, उसे देखो, और जब नरसिंगा फूका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यो कहा है कि धूप की तेज गर्मी व कटनी के समय के ओसने वाले बादल की नाई मैं शांत होकर निहारूंगा, परंतु दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों से मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे, और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूपकाल की ऋतु बिताएंगे, और सब भांति भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा की ऋतु काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और वे आदि ही से डरावने होते आए हैं और वे मापने और रौंदने वाले हैं और उनका देश नदियों से विभाग किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सियोन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी।